तो यूपी में इस वक्त यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में आज कोरोना के मामले फिर बढ़ गए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। 25,613 लोग अब तक डिस्चार्ज हुए। पिछले 24 घंटे में 258 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई है। कल प्रदेश में 30,000 से कम केस आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी में पिछले 24 घंटे में 35,156 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में कल के मुकाबले कोरोना के केस फिर से बढ़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, 25,613 लोग हालांकि डिस्चार्ज भी हुए हैं, लेकिन कल के मुकाबले यूपी में कोरोना के केस बढ़े हैं। 24 घंटे में 35,000 से ज़्यादा नए केस आए हैं, जबकि 258 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। कल प्रदेश में 30,000 से कम केस आए थे, लेकिन आज ये बढ़कर पिछले 24 घंटे में 35,156 हो गए। तो अब बात कर लेते हैं मातृभूमि की पहली खबर की। देश जब संकट की घड़ी में है तो देश के सबसे अग्रणी संस्थानों में से एक डीआरडीओ देश की सेवा के लिए दिन रात एक कर रहा है। डीआरडीओ ने देश भर में अस्पताल बनाने और ऑक्सीजन प्लांट लगाने का बीड़ा उठा लिया है। बिहार के बिहटा से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक अगले दो दिन में डीआरडीओ के अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे। लखनऊ में 500 बेड का ये कोविड अस्पताल बनकर लगभग तैयार है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। ये अस्पताल कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर अवध शिल्प ग्राम में बनाया गया है। यहाँ पीएम केयर फंड से खरीदे गए लगभग 150 चमचमाते वेंटिलेटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जहाँ कुछ दिन पहले कच्ची मिट्टी थी, वहाँ सीमेंटेड फर्श तैयार करके उस पर 20,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक लग चुका है। एक और टैंक इतनी ही क्षमता का इंस्टॉल किया जाना है। ये अस्पताल सिर्फ 10 दिन की मेहनत से तैयार किया गया है। यहाँ के कर्मचारियों का दावा है कि सिर्फ 2 दिन के भीतर ये अस्पताल शुरू हो जाएगा। एक दो दिन लगेगा जब ये अस्पताल पूरी तरह शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये ऑक्सीजन टैंक देखिए, 20,000 लीटर का ये ऑक्सीजन टैंक बनकर तैयार हो गया। ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। 24 घंटे हमें बताया गया कि 24 घंटे के भीतर पूरी की पूरी ऑक्सीजन रिफिल हो जाएगी। और ठीक 4-5 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, कच्चा मैदान था, और आज की तारीख में फर्श बन चुकी है और ऑक्सीजन का प्लांट लग चुका है। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ कितनी तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आप आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस की मदद से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ राजधानी दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, पटना और वाराणसी सहित कुल 6 कोविड अस्पताल देश भर में स्थापित कर रही है। राजधानी दिल्ली में सरदार पटेल कोविड आर्मी हॉस्पिटल में फिलहाल 500 बेड हैं, जो सभी वेंटिलेटर से लैस हैं। अहमदाबाद में 900 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में 150 वेंटिलेटर बेड्स हैं और बाकी 750 जो सामान्य बेड्स हैं उनमें भी ऑक्सीजन की सुविधा है। लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जबकि वाराणसी में 750 बेड का हॉस्पिटल होगा। पटना में भी 500 बेड का अस्पताल शुरू कर दिया गया है। इन अस्पतालों में जवानों के साथ साथ कोविड से ग्रस्त आम मरीज भी इलाज पा सकेंगे। इंडियन आर्म फोर्सेस का सिंगल टाइप पॉइंट मोटो है, नेशन फर्स्ट। कोई देश के अंदर विपदा आए, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हमेशा इंडियन आर्म फोर्सेस खड़ी हैं और इंश्योर करेंगी कि देश प्रोटेक्टेड है और देश को कोई नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा सकता। डीआरडीओ अगले 3 महीनों में देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएगी। डीआरडीओ ये 500 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड की मदद से बनाएगी। तेजस फाइटर जेट में जिस तकनीक से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उसी तकनीक से ये प्लांट लगाए जाएंगे। इन ऑक्सीजन प्लांट में 1000 लीटर प्रति मिनट की उत्पादन क्षमता होगी। इस सिस्टम के जरिए हर दिन 195 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकते हैं। डीआरडीओ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब देश मुश्किल की घड़ी में हो तो वो संकट मोचक की तरह हमेशा देश के लिए सबसे पहले खड़े होने वालों में से एक हैं। कोरोना काल में कोरोना से मौत से होने पर घर वाले और कई रिश्तेदार भी शव को हाथ लगाने में झिझकते हैं।
लेकिन एक फरिश्ता भी है जो संक्रमित मरीजों की सेवा से लेकर उनका अंतिम संस्कार तक बिना खौफ कर रहा है। ये है मध्य प्रदेश के हरदा के रहने वाले शेख जब्बार। शेख जब्बार हरदा जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में पिछले एक साल से बिना छुट्टी लिए लगातार काम कर रहे हैं। वैसे तो ये एक सफाई कर्मी है, लेकिन ये कोविड के मरीजों को दवाई खिलाने से लेकर उन्हें शौचालय तक ले जाते हैं। अगर किसी कोविड संक्रमित की मौत होती है तो जब्बार ही उस पार्थिव शरीर को पैक कर शव को वाहन कर्मचारियों को सौंपने का काम करते हैं। जब्बार खुद के दुख से ऊपर उठकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जब्बार के पिता की 4 दिन पहले ही बीमारी के चलते भोपाल में मौत हो गई थी। जब्बार भोपाल सिर्फ रस्म अदायगी के लिए ही गए और 12 घंटों में ही वापस लौट आए और फिर से मरीजों की सेवा में लग गए। सर, जब से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए तब से कितने पेशेंट को अभी तक यहाँ से निकाला गया? सर, यहाँ से करीब 15-16 पेशेंट आए। आप यहाँ पर सेवा करने ही जाऊँ? अच्छा, अभी आपके पिताजी शांत हो गए थे तभी आप छोड़ के यहाँ? हाँ सर, अब जाने वाला चला गया, लेकिन जो है उनको तो बचा लें। शेख जब्बार के अलावा उनके साथ और भी कई साथी कोरोना काल में फरिश्ते की तरह काम कर रहे हैं। रोज 42 डिग्री तापमान में जलती चिता के पास दिन भर खड़े रहना हर किसी के बूते की बात नहीं है। खास तौर पर रोजे के दौरान पीपीई किट पहन रोज हरदा अस्पताल में शव पैक कर अंतिम संस्कार के लिए मुक्ति धाम आसान काम नहीं है। शव वाहन पे 2 गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी शरीफ भाई कुरैशी चला रहे हैं और एक गाड़ी मैं चला रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अफसर है और अभी हमारे रोजे चल रहे हैं और हमने हमारे जो इमाम हैं उनसे जानकारी ली थी, तो उन्होंने बोले हैं कि ये काम खिदमत खल्क में आता है, इसलिए ये काम बहुत अच्छा, लोग आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल पेश करने वाले इन लोगों को बहुत ही मामूली तनख्वाह मिलती है। शेख जब्बार का कहना है कि उन्हें हर महीने 5,500 रुपए वेतन मिलता है। ऐसे में समय की मांग यही है कि हम और आप ऐसे फरिश्तों के लिए आगे आएं और इनकी भी मदद करें। केरल के कोच्चि में कोरोना की आपदा से निपटने के लिए लोग नए नए आइडिया के साथ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक शख्स ने अपने टेम्पो ट्रेवलर को एम्बुलेंस बना दिया। यह केरल के कोच्चि में रहने वाले नजीब वेल्लाकल। ये पिछले 20 साल से वाहनों को किराए पर देने का काम करते हैं। उन्होंने देखा कि कोच्चि में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद शहर का हाल बेहाल है, मरीजों के अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कमी हो गई है। ऐसे में नजीब ने तय किया कि वो अपने वाहनों को एम्बुलेंस में तब्दील करेंगे ताकि शहर में एम्बुलेंस की कमी को पूरा किया जा सके। फिलहाल उन्होंने अपने से एक वाहन को एम्बुलेंस में तब्दील किया है। അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി തന്നെ, നമുക്ക് വണ്ടി കിടക്കണല്ലേ, അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ നേരെ സീറ്റ് അഴിച്ചു, വണ്ടിയിലെല്ലാം സീറ്റ് അഴിച്ചു, ഒരു ഡ്രൈവറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു, അത് PPE കിറ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു. ആ വണ്ടി പുള്ളി ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയായിരുന്നു, എന്തായാലും വീടുകളിൽ കൊണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണക്കാരനൊരാൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ, नजीब को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो अपने बाकी वाहनों को भी एम्बुलेंस में जल्द ही तब्दील कर देंगे। उन्हें अपने इस मुहिम में कोच्चि के मेयर और ट्रांसपोर्ट विभाग का भी समर्थन मिला है। उनके सुझाव पर ही नजीब ने अपने वाहन को कोविड एम्बुलेंस बनाया है। इन वाहन को एम्बुलेंस में तब्दील करने का खर्च करीब 25,000 रुपए है। नजीब ने एम्बुलेंस का बहुत मामूली किराया रखा है ताकि ड्राइवर और ईंधन का खर्च निकल सके। ഒരു നല്ലൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, അപ്പൊ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ, നല്ലൊരു നമുക്കും നാളെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരാലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് അത് ഞാൻ അത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പൈസ മുടക്കി. नजीब ने एम्बुलेंस की कमी से निपटने का जो तरीका निकाला है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी अपनाया जा सकता है। ऐसा करने से एम्बुलेंस की कमी की दिक्कत से काफी हद तक निजात मिल सकती है। कोरोना की वजह से लोगों को घर में रहकर ज्यादातर काम ऑनलाइन ही करने पड़ रहे हैं। ऑनलाइन कामकाज के बढ़ते ट्रेंड के चलते अब शादियां भी ऑनलाइन होने लगी है। राजस्थान के अजमेर से एक पंडित से 400 किलोमीटर दूर एक ऑनलाइन शादी करवाई। हरि ओम महं गणनन्द्वः गणपति गम्भवामहे प्रियानन्दः प्रियपति गम्भवामहे निधिनन्दः निधिपति गम्भवामहे।
अजमेर के किशनगढ़ में रहने वाले पंडित सत्येंद्र शर्मा ने 400 किलोमीटर दूर से वीडियो कॉल के जरिए शादी करवाई है। ये विवाह रविवार को संपन्न हुआ है। पंडित सत्येंद्र शर्मा के मुताबिक उनके दोस्त गुजरात बॉर्डर के पास मावल में रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी तय की थी। शादी करवाने के लिए उन्हें बतौर पंडित बुक किया था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन और दूसरे कामों की वजह से वो शादी में जाने में असमर्थ थे। ऐसे में उन्होंने ऑनलाइन रस्में करवाने की बात कही, जिसे दुल्हन की माँ ने मान लिया। मैं स्वयं तो कराने आ नहीं सकता, लेकिन मैं ऑनलाइन के जरिए मैं इस विवाह को संपन्न करा सकता हूँ, यदि वहाँ के लोगों की सहमति है तो। तो उन्होंने वहाँ पर जो दुल्हन की माताजी थी राखी कश्यप, उन्होंने इस चीज़ की पूर्ण सहमति जताई और मैंने इसका वीडियो कॉल के जरिए पूर्ण रूप से विवाह संपन्न कराया, मंत्रोच्चार को संपन्न कराया और साथ ही साथ दोनों का विवाह पूर्ण रूप से कराकर और इस कार्यक्रम को समाप्त किया। लड़की वालों ने वीडियो कॉल के जरिए मंत्र उच्चारण करके शादी करवाने के लिए रजामंदी दे दी। रविवार को मोबाइल को वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट करके स्पीकर से जोड़ दिया गया। पंडित सत्येंद्र शर्मा ने विधिवत रूप से मंत्र उच्चारण करके दुल्हा दुल्हन के साथ फेरे करवाए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु सजीव मिश्र द्रौपदश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस दौरान उन्होंने दुल्हा दुल्हन समेत दूसरे रिश्तेदारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करने का भी संकल्प करवाया। दूल्हे मोहित और दुल्हन निशा ने ऑनलाइन ही उन्हें प्रणाम किया, जिस पर उन्होंने सुखी संपन्न और निरोगी रहने का आशीर्वाद दिया। और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है इस कोरोना के चलते हुए कि मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइजर से धोएं। यह मैंने मोहित और निशा जिन दोनों लड़कियों का विवाह था उसे भी पूर्ण रूप से बताया। पिछले कुछ दिनों से अजमेर से करवाई गई ये ऑनलाइन शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आने वाले दिनों में ये ट्रेंड बढ़ भी सकता है। कोरोना की लड़ाई में देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। हर कोशिश हो रही है कि लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए। IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एक नाइट्रोजन गैस के प्लांट को ऑक्सीजन गैस के प्लांट में तब्दील करने में बड़ी सफलता पाई। ये हैं IIT बॉम्बे के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डीन प्रोफेसर मिलिंद आत्रेय। प्रोफेसर आत्रेय ने अपने पायलट प्रोजेक्ट में मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट सेटअप में तकनीकी तौर पर बदलाव करके मॉलिक्यूलर सीव्स को कार्बन से जियोलाइट में बदला और फिर नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन यूनिट में बदल डाला। आपको बता दें कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए IIT बॉम्बे ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और सपेंटेक इंजीनियर्स जैसी कंपनियों के साथ करार किया है। ये कंपनियां अब इस तकनीक के माध्यम से 3.5 ATM प्रेशर से 93% से 96% तक की शुद्धता वाली ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन कर सकती हैं। मातृभूमि में फिलहाल इतना ही। कल 4 बजे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब से कुछ देर बाद देखिए मेदांता के डॉक्टर अरविंद कुमार का एक खास इंटरव्यू।